नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे पेट्रोल पंप पर तेल भरवाते समय आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। जरा सोचिए, इस महंगाई के ज़माने में अगर कोई आपसे पेट्रोल डीजल और गैस कम दे तो आप क्या सोचेंगे? सोचना क्या, सीधा गुस्सा हो जाएंगे, मतलब कि पैसे पर इसका सीधा असर देखने को मिलता है। अब देखिए ना, जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में जिस तरह से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ठीक उसी तरह से अब रसोई गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी होने लगी है। स्थिति यह है कि रसोई गैस की कीमत 1000 के पार पहुंच गया है, तो वहीं पेट्रोल की कीमत भी 100 रुपये से ऊपर पहुँच गई है। ऐसे में ज़रा सोचिए, अगर आप पेट्रोल पम्प पर गए हैं और वहाँ पर पेट्रोल गाड़ी में डलवाने के बाद पता चले कि गाड़ी से तेल यानी कि गाड़ी में जो है तेल कम डाला गया है यानी कि चोरी किया गया है, तो आप गुस्सा जाएंगे। ऐसे में गाड़ी में तेल डलवाते समय कई बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे कि पेट्रोल और डीजल की चोरी से बचा जा सके। तो चलिए अब जानते हैं पेट्रोल पंप पर कैसे चोरी से बचे। मान लीजिए अगर आप पेट्रोल पंप पर गए हैं और आप 500 रुपये का पेट्रोल लेते हैं तो इसको गाड़ी में डलवाने में 1 मिनट का समय लगता है। इस दौरान अगर आप मीटर देख रहे हैं और तेल डालने वाला कर्मचारी कुछ सेकंड के लिए भी पंप का हैंडल बंद कर दे तो समझिए कि आपका पेट्रोल चोरी हो गया है। ऐसे में आपको मीटर के साथ साथ उसके पंप के हैंडल पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। बताया जा रहा है कि इस दौरान आपसे 50 से 100 रुपये की चोरी यानी कि 50 से 100 रुपये की चोरी इस दौरान जो है आपसे कर ली गई है। बता दें कि आए दिन पेट्रोल चोरी की खबरें मीडिया की सुर्खियां बनती है। इस तरह की चोरी की खबरें तो कमोबेश बनती ही बनती है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं पेट्रोल चोरी को कैसे बचे, यानी कि ये जो पूरी चोरी की प्रक्रिया है इससे हम कैसे बच सकते हैं, इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आगे हम जानेंगे। जब आप कभी भी पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल या फिर डीजल डलवाने जाते हैं तो आपको यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि वह पेट्रोल पंप डिजिटल है या नहीं। अगर वह पेट्रोल पंप डिजिटल है तो आपको वहाँ पेट्रोल लेने की ज़रूरत है, यानी कि ऐसे ही पेट्रोल पंप पे आप पेट्रोल लें जो कि डिजिटल मीटर वाला हो, क्योंकि डिजिटल मशीन में पेट्रोल चोरी करना थोड़ा आसान नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किलें होती है। बता दें कि अब ज़्यादातर क्षेत्रों में डिजिटल मशीनें लगाई गई हैं। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर मीटर ज़्यादा तेज़ी से चल रहा हो तो आपको समझना चाहिए कि इसमें भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। ऐसे में आप इस दौरान पेट्रोल पंप कर्मी से आप जो है उसकी रफ्तार कम करने को कह सकते हैं, क्योंकि मीटर का कांटा जो है बहुत तेज़ी से आखिर भाग क्यों रहा है। जब कभी भी आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने जाएँ तो वहाँ भी राउंड फिगर में पेट्रोल नहीं डलवाएं, जैसे कि 100 रुपया, 200, 500, 2000 रुपये का तेल भरवाते हैं। अमूमन लोग ऐसा ही करते हैं। ऐसे करने से जो है हमें बचने की ज़रूरत है। ऐसे में कई बार इस तरह की खबरें भी चलती हैं कि पेट्रोल पंप मालिक ऐसे नंबर के लिए पहले से ही मशीन फिक्स करवा कर रख देता है। ऐसी स्थिति में आपको 90, 190, 490 या फिर 505 इस तरह के फिक्सन वाले जो अंक हैं, जो कि सम नहीं है, दो से नहीं कट रहे हैं, इस तरह के अंक जो है हमें अंक में जो है पैसे का तेल जो है भरवाने की ज़रूरत है। मीटर को हमेशा 0% करके तेल भरवाना चाहिए। ये तो अमूमन वहाँ पे लिखा भी रहता है और आपको देखने की भी ज़रूरत है कि आखिर मीटर 0% है या नहीं है। यदि मीटर 0% नहीं है तो टैंक में कम पेट्रोल या फिर डीजल डलने की पूरी संभावना हो सकती है। ऐसे में आप अगर चार चक्के की गाड़ी से तेल डलवा रहे हैं, यानी कि आप अगर चार चक्के की गाड़ी में तेल डलवा रहे हैं तो आपको गाड़ी से उतर कर तेल डलवाने की ज़रूरत है। अमूमन होता ये है कि उसका जो तेल डालने का जो टंकी है वो पीछे होता है और सीधा जो ड्राइवर यानी कि जो गाड़ी चला रहा है व्यक्ति वो सीधा कैश देता है और कहता है पीछे आप उसमें जो है तेल डाल दीजिए। ऐसी स्थिति में जो हमने आपको ऊपर में बताया कि अगर वो तेल डाल रहा व्यक्ति जो है अगर वो उसका जो पंप का जो मशीन है अगर थोड़ी देर के लिए भी रोकता है तो आप 50 से 100 रुपये का नुकसान वहाँ पे उठा सकते हैं। ऐसी ही स्थितियाँ जो है यहाँ पे भी देखने को मिलती है। ऐसे में कहा जाता है कि जब भी आप अगर चार चक्के में तेल डलवा रहे हैं तो उतर कर वहाँ पे ज़रूर जाएं, क्योंकि अगर आप गाड़ी से उतर कर वहाँ जाएंगे तो आप उन सारी स्थितियों को देखेंगे कि वहाँ मीटर चल रहा है या नहीं चल रहा है, या फिर आप वहाँ पे पंप को रोका गया है या नहीं रोका गया है। एक तो और बात, अगर कोई भी व्यक्ति जो है वहाँ तेल डलवा रहा है तो आप उस पूरे पंप की जो प्रक्रिया है, जो मशीन है जिससे वो तेल डाला जा रहा है, उसको आप हमेशा बोलें कि आप लॉक करके छोड़ दें। एक तो आपका पैसा वहाँ पे लिख दिया गया है 505 रुपया, यानी कि 505 रुपये का आपको पेट्रोल लेना है, और आप वहाँ पे सीधा उनको बोले कि आप जो है इसको लॉक कर दें। लॉक करने के बाद क्या होगा, जैसे ही 505 रुपये का आपका पेट्रोल आपकी टंकी में जाएगा वो मशीन ऑटोमेटिक
रुक जाएगा। इस दौरान चोरी होने की बहुत ही कम संभावना बनती है। तो ऐसे में जब भी आप पेट्रोल पंप पे जाएं तो इन सारी बातों का जरूर ध्यान रखें ताकि जो है आपका पेट्रोल या फिर डीजल चोरी ना हो सके। सबसे अहम जो बात है वो यही है कि जो पेट्रोल डाल रहा होता कर्मचारी है वो जो है क्लच जो उसका जो मशीन होता है डालने का उसमें जो है वो कई बार मशीनों को नहीं दबाता है या फिर दबाता है या फिर कई तरह के तरीके ऐसे हैं जिसमें कि वो चोरी करने की संभावना वहाँ पे बनती है। आपको आँख नाक कान वहाँ पे हर समय जो है खोल कर रखना है ताकि आपका पेट्रोल जो है वो चोरी होने से बच सके। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।